सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तां कि खबरां दा ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समें सिर मिलदा रहे। पिंड छाजली समाओं पत्ती दा परमिंदर सिंह कारगिल विखे शहीद मृतक दे पुजी पिंड नेड़ले पिंड छाजली समाओ पत्ती दे परमिंदर सिंह फौजी दा कारगिल विखे शहीद होण कारण पिंड च सोग दी लहर दौड़ गई। शहीद परमिंदर सिंह छाजली दी मृतक देर शाम पिंड छाजली विखे पहुंचण ते माहौल गमगीन बन गया। इस मौके मौजूद हर शख्सीत दे अखां दे विच हंझू सन। शहीद अंतिम संस्कार 5 अक्तूबर नूं सवेरे 10 बजे पिंड दे शमशान घाट दे विच कीता गया। पिंड दी सरपंच परमिंदर कौर दे पति इंद्रजीत सिंह धालीवाल ने जिहड़ा जानकारी दित्ती है कि परमिंदर सिंह 26 यूनिट 31 पंजाब पुत्र गुरजीत सिंह साबका फौजी वासी छाजली कारगिल विखे 3 अक्तूबर नूं शहीद हो गया है। अगली खबर, करोड़ों रुपए की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने आए 5 लोग गिरफ्तार। जीरकपुर साहब तहसील के पिंड नाभा च साहिब की हदूद अंदर शाम को तहसीलदार ने करोड़ों रुपए की जमीन की जाली रजिस्ट्री करवाने आए 5 व्यक्तियों को फड़ के पुलिस हवाले कर दिता। इन्हां विच 2 औरतां समेत 3 पुरश शामिल हैं। जाली रजिस्ट्री का शक पैंदे ही नायब तहसीलदार ने जमीन वेचण वाले तो जमीन की मालकी संबंधी दस्तावेज मंगे जो वह पेश नहीं कर सके। इस तों बाद 5 व्यक्तियों काबू करके जीरकपुर पुलिस के हवाले कर दिता गया। तहसीलदार ने इसकी शिकायत DC मोहाली, SDM डेराबसी, DSP जीरकपुर और थाना जीरकपुर को दी ताजो जाली रजिस्ट्रियां करवाने वाले व्यक्तियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग च लए गए अहम फैसले। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने गुरमिंदर सिंह नूं पंजाब दा नवा एडवोकेट जनरल नियुक्त करने की प्रवानगी दे दी। इस बारे फैसला सवेरे इत्थे मुख्यमंत्री की अगुवाई में उन्होंने निवास स्थान उत्ते मंत्रिमंडल की मीटिंग दौरान लिया गया। मंत्रिमंडल ने अहुदा छड्ड रहे एडवोकेट जनरल विनोद घई का अस्तीफा भी मंजूर कर लिया। तो जिन्हों ने निजी कारण करके अस्तीफा दिता है, इस विरुद्ध इस दौरान उगे वकील परमिंदर सिंह के नाम जिहड़ा सूबे के सब तो वड्डे कानूनी अहुदे लई मंजूरी दी गई है। पुरानी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा बस अड्डा। अबोर तो खबर है, पिछले 3 महीनों तो बस स्टैंड नूं दाणा मंडी में तब्दील करन कारण गाहकां दी घाट तो परेशान। शहर के दुकानदारों को उस समय राहत मिली जो दुकानदारों के व्यापार मंडल की मांग को देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल अबोर पुजे, उन्होंने दसा कि बस स्टैंड पुरानी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिक्रयोग है कि बीती देर रात शहर के दुकानदारों ने मेयर वालों पुराना बस स्टैंड ना खोलण के बयान तो बाद शहर में रोस मार्च कढ़िया। जानकारी अनुसार व्यापार मंडल के जनरल सकत्र अभिषेक सिडाना और संयुक्त सकत्र विजय उपवेजा, सदर बाजार एसोसीएशन के मुखी मदन लाल डोडा और सरबजीत कुमार कामरा की अगवाई हेठ शहर के सैकड़े दुकानदारों ने DC सेनू दुग्गल नाल मुलाकात की। ग्रीस च पंजाबी नौजवान की दर्दनाक मौत, मापियां दा इकलौता पुत्र सी। इत्थों एक मंदभागी खबर है माछीवाड़ा तो। माछीवाड़ा ब्लॉक के पिंड झुग्गियां बुरजा कच्चा दे रहण वाले दलीप सिंह का इकलौता पुत्र अरुणदीप 27 साल जो कि ग्रीस में रुजगार लिए गया से उसकी उत्थे मौत हो गई। जानकारी मुताबिक अरुणदीप सिंह मापियां का इकलौता पुत्र से, उत्थे खेतों काम करता सी। पिंड वासियों के दसन अनुसार ग्रीस विखे खेतों काम कर रहा है तो अचानक उसनू किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसों तो बाद उसकी मौत होने की खबर मिली है। SYL विवाद से पंजाब आया सियासी हड़। वड़िंग बाजवा पठल मजीठिया तो लैके जाखड़ ने घेरी सरकार। यमुना सतलुज यमुना लिंक विवाद से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कारण पंजाब की सियासत में हड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में राजनीति ना करन की गल कहते हुए काफ़ी फटकार लाई है। तो इस मुद्दे पर हुण विरोधियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिता है। दिवाली तो पहला किसानों को मिलेगा तोहफा, फसलों की MSP च हो सकता वाधा। लोकसभा चोणों तो पहला केंद्र सरकार किसानों को वड्डा तोहफा दे सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हाड़ी दी फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल में वाधा कर सकती है, इस नाल करोड़ों किसानों को फायदा होगा। सूत्रों मुताबिक केंद्र सरकार कणक की MSP 150 से 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर नाल वाधा कर सकती है। इस नाल खास करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को सब तो वध फायदा होगा। गुरमिंदर सिंह गैरी होणगे पंजाब के नवे एडवोकेट जनरल। कैबिनेट बैठक च कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग में सूबे के नवे AG कैबिनेट वालों प्रवानगी दी गई। पंजाब कैबिनेट ने नवे AG वालों गुरमिंदर सिंह के प्रनाम को प्रवानगी दी। इस बैठक में SYL सने कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में मानसून इजलास सदन पर भी विचार चर्चा हुई।
दस दिए कि मंगलवार शाम को ही एडवोकेट जनरल विनोद कई ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता सी। कई के अस्तीफे की चर्चा लंबे समय तो चल रही थी, पर इसनों उस समय बल मिलिया जो पंजाब सरकार नू हाई कोर्ट विच 13,000 पंचायतों भंग करन दा फैसला वापस लेना पिया। केंद्र सरकार का वड्डा फैसला हुण सिर्फ 603 रुपये मिलेगा गैस सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री मंडल की मीटिंग के वड्डा फैसला लिया गया। सरकार ने उज्ज्वला योजना वित्ती दिती जाण वाली सबसिडी 300 रुपये का वाधा करन दा ऐलान किया। यह जानकारी सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिती है। अक्तूबर महीने के इस तरह की जानकारी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना तहत हुण सरकार वालों एक सिलेंडर से मिलने वाली सबसिडी वधा के 300 रुपये मिलेगी। पहला सरकार एक सिलेंडर से 200 रुपये की सबसिडी दे रही थी। उज्ज्वला के लाभपात्री वर्तमान में 14.2 किलो के LPG सिलेंडर लिए 703 रुपये का भुगतान करते हैं, जदों कि इसकी मार्केट कीमत 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्री मंडल के फैसले तो बाद लोगों को हुण 603 रुपये दा सिलेंडर मिलन जा रहा है। अगली खबर, डॉक्टर बलबीर सिंह वालों सेहत विभाग को गैर कानूनी गर्भपात रोकने लिए गर्भ अवस्था दौरान औरतों का ट्रैक रखने के हुक्म। सूबे में लिंग अनुपात में होर सुधार लियाने के मद्देनज़र पंजाब के सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर ने जिहड़ा है बुधवार को सेहत अधिकारियों नाल आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर इस तो अलावा मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर कम्यूनिटी हैल्थ वर्क अफसर के नाल एक नैटवर्क बनाने के निर्देश दिते कि वह पिंडां दी गर्भवती औरतों का गर्भकाल तो जनेपे तक ट्रैक रखन। एक गैर कानूनी कार्रवाई बाबत दो जां तीन जीवत धियां वाले जोड़ियां ते विशेष ध्यान रखने लई लोड़ ते जोर दिंदियां। उन्होंने सेहत अधिकारियों नूं गर्भवती औरत का ट्रैक रखने के निर्देश दिते हन। अगली खबर, रिश्वत मंगण के दोष हेठ अर्जी नवीस का चैंबर सील। डेराबसी तो खबर है, 4 अक्तूबर तहसील में फैले भ्रिष्टाचार खिलाफ़ प्रशासनिक अधिकारियों ने वड्डी कार्रवाई करदे अर्जी नवीस का चैंबर सील कर दिता। अर्जी नवीस से एक NRI औरत तो 3 फ्लैटों की रजिस्ट्री करवाने बदले 1,00,000 रुपये लैण का दोष। मुख्यमंत्री ईमेल राही जी शिकायत इंग्लैंड वसनीक ने जानकारी दी। अगली खबर, CMR ने 272 सहकारी इंस्पैक्टर वंडे नियुक्ति पत्र। हुण तक 36,796 नौजवानों को दित्तियां नौकरियां। CM भगवंत मान ने वीरवार को 272 सहकारी इंस्पैक्टर नियुक्ति पत्र वंडे। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हुण वख-वख विभागों में 36,796 नौजवानों को नौकरियां मुहैया करवा चुकी है। अगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस मौके मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के कहा कि हुण तक दित्तियां गईयां सारिया नौकरियां मैरिट के आधार ते होईयां हन। इस विच एक भी मुलाजम सिफारशी नहीं है। उन्होंने ये जानकारी जी दी है सारी जी है पूरी तरह पारदर्शी तरीके मुहिम दे अंदाज दिता गया है। सो ये सन अज दिया मुख खबर। उम्मीद है कि तुसी वीडियो नू लाइक शेयर चैनल नू सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल। तद तक दिली मेहरबानी, धन्यवाद जी।